महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर एक बात क्या है कि भगवान जो है वो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य छह गुण वालों है। तो भगवान के छह गुण हैं, उन छह गुण के बाद एक सातवां खुद भगवान गुणी, तो वो को रिस्पॉन्स देने के लिए भागवत भी इतने तरह से प्रकट हुई है, सात तरह से ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य और खुद भागवत शास्त्र। तो खुद भागवत आखो शास्त्र, फिर वाको ऐश्वर्य जो वाके स्कंद है, फिर वाको ऐश्वर्य, फिर वीर्य है, फिर वाको यश है, फिर वाकी श्री है, फिर वाको ज्ञान है। तो एक एक जो वाके फैसेट हैं, ये जो शास्त्र स्कंधे प्रकरणे, तो स्कंधे प्रकरणे अध्याय वाक्य पदे और अक्षरे, ये ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य नामात्मक भगवान के। वहां कुछ दूसरा रोल है ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य को स्वरूप में, और यहाँ कुछ दूसरा रोल है, ऐसे महाप्रभु जी आपको इक्वेट करना चाहें। ये गुह्य रहस्य हो, ये अपने कल्पना में नहीं आ सके बाबा, कल्पना में नहीं आ सके कि ये लफड़ा यहां भी निकले। लो ये महाप्रभु जी हैं जो सोच पावे हैं और कह पावे हैं, तो कोई भी आदमी सोच के कोई भी कह सके, सोचने वाला तो कई बातें कह सके, पर फील नहीं कर पावे। महाप्रभु जी ने यह बात को फील करी है, तो फील करी है वो महाप्रभु जी ने लिखी है ना, निगाहों ने देखी मोहब्बत ने मानी तेरी बेमिसाली तेरी लाजवाबी, उन आंखों का आलम गुलाबी गुलाबी। तो भगवान के नेत्रन के गुलाबी गुलाबी पन को उनने फील किया है करके, वो जो वहां ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य को सप्तधा विभाजन है, वो महाप्रभु जी को गुलाबी गुलाबी आलम यहाँ भी दिख रहे हो, अच्छा यहाँ भी यही गुलाबी गुलाबी आलम है, उन आंखों का आलम गुलाबी गुलाबी, मेरे दिल की हालत शराबी शराबी वो नशा महाप्रभु जी को उतर नहीं रहा है, स्वरूप के सौंदर्य को नशा कृष्ण के। तो वो यहाँ भी पाछे छह गुण देख रहे हैं, बारह अंग देख रहे हैं, तो द्वादश अंग है, यहाँ भी द्वादश अंग वही पुरुष है, छह गुण वाक्य हैं, एक गुणी है वो भी दिख रहे हैं महाप्रभु जी को, ये दिख नहीं रहे हो या कोई दिखना कहना, महाप्रभु जी के बारे में लैक ऑफ एप्रिशिएशन है। महाप्रभु जी को फील कर रहे हैं, या कोई गुजराती में धबकारा कहना, तो उनको धबकारा फील हो रहे हैं कि यहाँ भागवत कृष्ण के जो स्वरूप को धबकारा है वो उनको भागवत में फील हो रहे हो। अच्छा जैसे वो वहां षड्गुण और षड्गुण और ऐश्वर्य वाले धर्मी है, ऐसे यहां भी सात शास्त्र स्कंधे प्रकरणे ध्याय वाक्य पदे शरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरे देन मुच्यते, ऐसे यहां भी वहां द्वादशांग वही पुरुष है, वाको श्रीमस्तक है, बाहु है, वक्ष है, उदर है, कटी है, चरण है, ये भागवत में भी बारह स्कंध है, वाक्य बारह अंग है, तो द्वादशांग वही पुरुष है। हमारे महाप्रभु जी को फील क्या क्या हो रहा है भागवत में, उनकी फीलिंग देखे ना, सोच तो कोई भी सके, फितूर सोचने बैठे तो कौन कौन को फितूर क्या क्या नहीं सोच सके, ये महाप्रभु जी की फितूर नहीं है, महाप्रभु जी यात्रा से फील कर रहे हैं भागवत को, वो महाप्रभु जी की फीलिंग है भागवत के प्रति के साक्षात कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण है, तो कृष्ण के जो जो भी गुलाबी रंग है वो कैसे भागवत में देखने, वो महाप्रभु जी के मुखारविंद से अनकंट्रोलेबली निकल जा रहे है कि भाई ये याद कर सो, देखो ये सब यहाँ दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं, ये या कोई व्याख्या कहना है, व्याख्या ही है, पर या कोई व्याख्या कहना लैक ऑफ एप्रिशिएशन है, ये तो महाप्रभु जी का उद्गार है, एक महाप्रभु जी के कंठ में से निकले भयो एक काव्य है, ये व्याख्या नहीं है सुबोधनी। पूरब के दूर क्षितिज से यह सोना नित्य सलोना जो निकलता है उसको कोई लाल किरण मत कह बैठो, ये तो सोना निकल रहा है रोज एक सुबह उसको कोई लाल किरण मत कह बैठो, वो सिर्फ लाल किरण में आपको ऐसा मिनिमाइज इंटरप्रिटेशन मत करो, ये तो एक आखो सोना अपने लिए उग रहा है, तो ऐसे फीलिंग है वाकी अपने को लाल किरण दिख रहे, तो भाई लाल रंग को सूरज उदय सविता रक्त रक्त चास्तमय तथा, सुबह भी लाल हो रहा है, शाम को भी लाल हो रहा है,
वो एक फीलिंग, वो एक अलग इंटरप्रिटेशन है। वो हरिवंश राय कहे कि नहीं नहीं ये सिर्फ लाल किरण नहीं है, ये तो पृथ्वी के लिए सोना नित्य सलोना जो उगता है उसका कोई लाल किरण मत कह बैठो। तो ये वाक्य सिर्फ लाल किरण मत कहे तो सोना है। तो ऐसे महाप्रभु जी को भागवत को देख के ऐसे लगे कि ये तो खास वही सोना है, ये रूप को ये नाम सोना है जो यात्रा से ढल के आ गया है। कोई सुखदेव की चोंच में ढल के यात्रा से आया है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्त हो गया है।